We saw a dream, and that dream was to visit Europe. Europe is a magnificent place where there is history, architecture, panoramic landscapes, adventure, and beauty everywhere. Ours was a 12-day tour with Kulin Kumar Holidays, and this is our journey, Epic Europe 2023. Watch this episode to get a glimpse of Austria and Germany with us. Hello guys, and welcome to our next vlog in the series Epic Europe 2023. आज हम जा रहे हैं to Innsbruck in Austria. Mostly bus journey है, but बीच में एक दो attraction point है जो हम visit करने वाले हैं. So hello guys, welcome back to our channel. My name is Vijay and you're watching Long Distance Travelovers. I flew a drone before leaving from Andaman, and let's see the view from our hotel. The view was just breathtaking, and aisa nazara pehle kabhi nahi dekha tha. Hotel tak aane ka rasta bahut zigzag tha, jise hairpin road kehte hain. Drone se view bahut hi interesting tha. So, यहाँ पे जो famous यहाँ पे बहुत सारे लोग motor homes use करते हैं. तो जिस हम लोग gas के लिए एक stop लिया था हम लोग ने, so जिस मैं इनसे एक पूछ लेता हूँ कि कैसे motor home ये लोग build करते हैं and उसका cost वगैरह कितना आता है, जान लेते हैं. Yeah, it's an Amman motor home and you have place for six persons, okay. Yeah. And we have behind a garage. You're traveling around. Where are you going right now? Now to Germany. Germany. Berlin. We are also traveling to Germany, but we are traveling in a coach and they are traveling in their own motor homes. That's just amazing. How much does it cost? Like thousand. Used. And if you take new, around 350,000. Yeah. Oh. It's too expensive. So you prefer a used one? Yeah. So guys, अभी हम लोग जा रहे हैं कुकू क्लॉक फैक्ट्री विजिट करने के लिए. कुकू क्लॉक फैक्ट्री वॉज ऑनेस्टली नॉट दैट ग्रेट. बस पहले ये बड़ा सा क्लॉक दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो इनका शॉप है वहाँ लेके जाते हैं. जहाँ आपको शॉपिंग करना है तो आप कर सकते हो. एक्चुअली क्लॉक कैसे बनती है वो बताते हैं, बट देन जो चीजें इंडिया में 30-50 रुपीस में मिल जाती है वो यहाँ पे 500 से 1000 में मिलती है, एंड क्लॉक्स यहाँ पे 15-20 हजार की मिलती है, विच इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी. और अभी कुकू क्लॉक फैक्ट्री विजिट करने के बाद, और आपने कुछ क्लिप्स तो देखे ही होंगे, तो हम जा रहे हैं खाने के लिए. तो गाइस, अभी हम लंच करने गए थे 2 घंटे पहले, और आज लंच में बहुत डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड था, जैसे बर्गर एंड आलू पैटिस बिरयानी एंड तो समझ में नहीं आया, एंड एक और बहुत अच्छा था, बेक्ड वेजिटेबल्स थे. ऑल बेक्ड वेजिटेबल्स, इंग्लिश वेजिटेबल्स, एंड वाइट सॉस उसके ऊपर से डाल के खाना था. इट वॉज अमेजिंग, इट वॉज वेरी टेस्टी. समथिंग डिफरेंट आफ्टर कमिंग आउट ऑफ इंडिया, अदर देन डेली का रोटी सब्जी. लंच होने के बाद आज हमारा मोस्टली फुल ऑफ अ ट्रैवल डे है, अ कॉफ़ी ब्रेक. और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं होटल. यहाँ से 1 hour 40 minutes का रूट है, और 2 घंटे पकड़ो. हाँ, अभी कुछ अराउंड 6:15 हो रहा है. यस. हाँ, तो अभी मोस्टली 8:15 तक तो हो ही जाएगा, एंड देन आर डे एंड. सो गाइज, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं ऑस्ट्रिया इन्सब्रुक, और हमारे होटल का नाम है होटल बेलमोंट. गुड रूम, लाइक वेरी स्पेशियस. बाहर थोड़ा हॉल भी है एंड काइंड ऑफ एक बालकनी टाइप भी है जहां पे हम बैठ सकते हैं.
कल का वैसे भी हमारा शेड्यूल जो है थोड़ा लेट है, तो हम लोग, मैं और लवीना, ब्रेकफास्ट के बाद यहीं पे बैठेंगे और थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। रात को भी हम लोग थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट डे की हमारी मॉर्निंग बहुत ही अच्छी थी। हम आराम से उठे, हैड टी इन अ बालकनी, इट वाज जस्ट अमेजिंग। गुड मॉर्निंग गाइज, और अभी हम लोग हैं इन्सब्रुक ऑस्ट्रिया में, एंड होटल बेलमोंट हम लोग कल ही रात को आए थे। यहाँ पे डिनर वगैरह बहुत अच्छा है, आज मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था, और होटल बहुत बड़ा है, रूम बहुत बड़ी है, सो स्टे काफ़ी कंफर्टेबल है। एंड आज इतने दिनों में पहली बार हम लोग को बोला गया कि हमको आराम से निकलना है, बिकॉज सिटी जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है, एंड हम लोग रोज़ निकलते हैं 7:30, 8, यू नो अप्रॉक्सीमेटली 9, बट आज हम लोग को बोला गया कि हम लोग आराम से 11 बजे निकलेंगे। सब लोग के सब लोग रिलैक्स मोड में हैं, बट इट्स गुड। आई मीन हम लोग इतने दिन से काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, सो एक छोटा सा रेस्ट चाहिए ही था, और आज हमको वो मिला। सो अभी हम लोग ज़्यादा दूर नहीं, हम लोग बस सिटी जाएंगे, सिटी में एक छोटा सा टूर होगा, एंड सोरोस की जो डायमंड शॉप है वहाँ पे भी जाने वाले हैं, देखेंगे कैसे कैसे अलग टाइप के डायमंड्स होते हैं, विच इज़ रियली वर्ल्ड फेमस, सो हम लोग वो भी देखने वाले हैं। टिल देन इफ़ पॉसिबल, अगर कुछ टाइम में आई ट्राई कि मैं कुछ ड्रोन शॉट्स लूँ, अगर हो सकता है तो मैं इंक्लूड कर दूंगा होटल के, बिकॉज अभी थोड़ा सा टाइम भी है सबको आने में, सो आई ट्राई टू फ्लाई ड्रोन। एंड यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, मतलब बहुत बड़ा है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, बड़े बड़े एल्प्स, एक दो पहाड़ पे बर्फ भी है, एंड पूरा ओपन है, मतलब बीच में होटल है एंड पूरा का पूरा ओपन है। आई डोंट नो, थोड़ा सन से शायद ब्लास्ट हो जाएगा अगर आप पीछे देख सकते हो तो, इट्स फुल ओपन, फुल फील्ड, पूरा व्यू आ रहा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। जस्ट सी द व्यू, पूरा ओपन फील्ड एंड दूर खड़े पहाड़, इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग। सो गाइज, आफ्टर हैविंग अ वेरी टेस्टी डिनर, अभी डिनर कहा, लंच, ओ सॉरी, यहाँ पे लंच डिनर क्या पता ही नहीं चलता। 8 बजे अगर हम डिनर करते हैं तो भी इतनी ही धूप रहती है, सनसेट होता है रात को 10 बजे, समझ में नहीं आता लंच कर रहे या डिनर कर रहे हैं, वो तो है। सो लंच करने के बाद अभी हम लोग सिटी टूर कर रहे हैं इन्सब्रुक का। गाइज, अभी हम पहुंचे हैं गर्ल्स लोगों की फेवरेट जगह पे, जो है सोरोस्की। यहाँ पे डायमंड क्रिस्टल्स जो है उनका एक कुछ स्कल्पचर्स वगैरह बनाया है, इट्स अ म्यूजियम एज वेल, और बाद में शॉपिंग, पैसे लूटने के तरीके है बस, और कुछ नहीं। And this is the famous attraction of Swarovski. ये 62 केजी का सबसे बड़ा सरोस्की है, सरोस्की क्रिस्टल, और ये सबसे छोटा सरोस्की क्रिस्टल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन चेतक हॉर्स, डायमंड क्रिस्टल डोम, आर्ट मेड ऑफ डायमंड, सिंड्रेला शूज, द वंडर ताजमहल, एंड दिस इज द प्लेस फॉर शॉपिंग, नेकलेस, रिंग्स, बैंगल्स, सब कुछ है यहाँ पे। बाहर सीनरी बहुत अच्छी बनाई हुई है। सो गाइज, अभी सोरोस्की क्रिस्टल वर्ल्ड से निकलने के बाद हम लोग इन्सब्रुक के सिटी टूर के लिए आए हैं। यहाँ पे एक कॉमन पार्किंग है, वहाँ पे हमारी बस पार्क्ड है, एंड वहाँ से हम वॉकिंग सिटी टूर करने वाले हैं। मज़ा आएगा ना वीरल? यस। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे टू स्पेंड एट द पार्क। शॉपिंग करके आने के बाद हम यहीं पे काफी टाइम तक बैठे हुए थे बिफोर हैविंग डिनर। यहाँ की शॉपिंग स्ट्रीट हमको मुंबई के आइकॉनिक भुलेश्वर जैसी ही लगी। सब कुछ रास्ते पे ही सेल हो रहा है, एंड कुछ अच्छी बड़ी शॉप्स हैं। इस शॉप में जैकेट आफ्टर 70% डिस्काउंट भी 32,000 INR के थे।
के मार्केट में थोड़ा टाइम स्पेंड करने बाद हमने लिया तो कुछ नहीं, बस विंडो शॉपिंग किया, प्राइजेस देखे इधर उधर के। मुझे एक वॉलेट बहुत ज़्यादा पसंद आया था एंड सेम वॉलेट फिर मैंने amazon.in पे सर्च किया और मुझे हाफ रेट में मिल गया और मैंने ऑर्डर भी कर दिया। सो मुझे यहाँ पे कुछ 950 पड़ रहा था इंडियन रुपीज़ में एंड इंडिया में मुझे 475 या 480 समथिंग में मिल गया और मैंने बाय कर लिया। सो बस अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए इंडियन रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट का नाम है साहिब, जो मैं रिकमेंड करूँगा, काफ़ी अच्छा है। अगर आप इंसब्रुक आते हैं तो यू शुड डेफिनेटली हैव डिनर एट साहिब रेस्टोरेंट। टेस्टी डिनर विद टेस्टी डेलिकेसीज, पेट भर के खाना खाया सबने। सो गाइज हम लोग सब कुछ सिटी टूर कर दिया, डिनर भी कर दिया, अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं बस में। टाइम भी स्पेंड करते हैं। हाँ सीरियसली बहुत सारे फोटोज खींचे हमने, जो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अभी इसके बाद जा रहे हैं बस होटल, थक गए वी आर रियली टायर्ड, क्योंकि नींद नहीं हुई है, बहुत घूमे हैं। और यू नो जब शॉपिंग करते तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाता है, तो वो थोड़ी सी चीज़ हो गई थी मेरे साथ, तो बट अभी गुड। कल आज हमारा सेकेंड लास्ट डे था एंड अभी हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है कि कल हमारा लास्ट डे है और हमारा ट्रिप एंड होने पे, बट इट्स ओके विद व्हेन वन थिंग एंड्स अ न्यू थिंग कम्स अप। ट्रूली ट्रूली। और हम ऐसे ही बहुत सारी सीरीज लेके आएंगे, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। सो देखते रहिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स। टिल देन प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि YouTube एल्गोरिथम को पता चले कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। एंड कमेंट करके अगर आप अपने क्वेश्चंस कुछ है तो हमें आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे की वीडियोज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलर्स। One more.